नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, इस 2024 की लोकसभा चुनाव ने देश भर की राजनीति का मानचित्र बदल करके रख दिया है। देश भर की राजनीति में यदि चर्चा की जाए अब दिल्ली से सटे हरियाणा की, तो हरियाणा ने भी बड़ा तोल भाव करके दोनों पार्टियों को सम्मान देने का यहाँ पर प्रयास किया। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दबदबा बनाया। ऐसे में सिर्फ एक ऐसी लोकसभा सीट रही या दो ऐसी लोकसभा सीटें रही जहां पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहां से निकालने में कामयाब रही। बाकी तमाम फंसी हुई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हरियाणा में बीजेपी ने बहुत ही नजदीकी जीत हासिल की, और इसके साथ साथ करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर का चेहरा वहां पर प्रभावी तरीके से चुनाव मैदान में उतरा। तमाम विरोध होने के बावजूद भी बीजेपी को वहां से जीत हासिल हुई। लेकिन ऐसे में अनिल विज की सीट अंबाला लोकसभा सीट, जो कि आरक्षित सीट है, वहां से बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। बंतो कटारिया पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी हैं और उनको वहां वरुण चौधरी से करारी हार का सामना करना पड़ा। वरुण चौधरी, जिन्होंने जीत हासिल की है, वह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता फूलचंद मुलाना के यहां पर उनके बेटे हैं, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में उम्मीदें दिखाई देने लगी हैं कि पिछले 10 साल का राजनीतिक सूखा अब उनके लिए समाप्त हो सकता है। आगामी 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो हरियाणा में 88 विधानसभा सदस्यों वाली जो है विधानसभा रह गई है, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ साथ राकेश दौलताबाद का निधन हो गया था। ऐसे में अब 45 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर विधायकों की संख्या महज 43 तक पहुंच पाती है, क्योंकि नायब सैनी ने करनाल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में 1 विधायक का इजाफा हो गया है। लेकिन देखा जाए तो अनिल विज के गृह जिले में अंबाला में इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की हार होना कई सवाल खड़े कर रही है। हरियाणा में किसानों और नौजवानों की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। इस पूरी एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की इस लड़ाई में दोनों पार्टियां बराबर पर समाप्त हुई, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के माध्यम से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अधिक मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जिन विधायकों का समर्थन है और जो खुद के विधायक हैं उनकी संख्या यहाँ पर करीब 35 विधायक हैं, और ऐसे में ये संख्या आगे आने वाले वक्त में बढ़कर के 45 के आंकड़े को क्रॉस कर सकती है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 सालों से हरियाणा में बड़ा राजनीतिक सूखा काट रही है, क्या विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करके यहाँ पर मजबूत सरकार बनाने का प्रयास करेगी, और क्या नायब सिंह सैनी की सरकार को धराशायी करने के बाद के लिए अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।